दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज सरफराज अहमद ने एक इंटरव्यू में बताया कि महेंद्र सिंह धोनी और एडम गिलक्रिस्ट में कौन सबसे बेहतर विकेटकीपर है। उनके जवाब से पहले जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा धोनी और गिलक्रिस्ट के बारे में। धोनी दुनिया में सबसे ज़्यादा बल्लेबाज को आउट करने के मामले में तीसरे नंबर पर हैं। धोनी विकेट के पीछे कुल 829 शिकार कर चुके हैं, वहीं गिलक्रिस्ट ने 905 खिलाड़ियों को आउट कराया है। जबकि इस मामले में सबसे पहले नंबर पर जो है वो साउथ अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी मार्क बाउचर हैं, जिन्होंने विकेट के पीछे 998 शिकार किए हुए हैं। विकेट कीपर के अलावा धोनी को क्रिकेट की दुनिया का बेहतरीन फिनिशर भी माना जाता है। धोनी ने 350 वनडे में 50.57 की औसत से 10,773 रन बनाए और वहीं गिलक्रिस्ट ने 287 वनडे में 35.89 यानी 35.89 की औसत से 9,619 रन बनाए हैं। इंटरव्यू में खास बातचीत के दौरान सरफराज ने बताया कि वह भारत के पूर्व कप्तान धोनी को गिलक्रिस्ट से एक बेहतर विकेटकीपर मानते हैं। इस दौरान सरफराज ने कहा कि धोनी ने जो भारतीय टीम के लिए सफलता हासिल की है उसे देखते हुए एक विकेटकीपर के तौर पर वह एडम गिलक्रिस्ट से कहीं आगे हैं। और वहीं दोस्तों गिलक्रिस्ट ने भी महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया का बेस्ट विकेटकीपर बताया है। गिलक्रिस्ट ने श्रीलंका के कुमार संगकारा, न्यूजीलैंड के ब्रैंडन मैकल्लम और साउथ अफ्रीका के मार्क बाउचर से पहले महेंद्र सिंह धोनी का नाम रखा है। उनका कहना है उनके बेहतर विकेटकीपर पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।